कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को जिला अस्पताल सहित कुल 108 केंद्रों पर 25,544 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 24,253 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,291 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा 7 ब्लॉकों पर टीकाकरण का कार्य किया गया है। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर टीकाकरण करा रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि बुधवार को विकास खंड बेलघाट में 1,730, पिपराइच में 1,560, ब्रह्मपुर में 2,107, खजनी में 2,458, जंगल कौड़िया में 2,141, कैंपियरगंज में 2,246 और पाली ब्लॉक में 1,890 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सबके लिए नियम है और इनके लिए नियम नहीं है। 277 है अपने कितने केंद्रों पर वैक्सीनेशन दिया गया? आज 108 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें कि महिला अस्पताल में महिला स्पेशल चल रहा है और हमारे एम्स में महिला स्पेशल चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल वो चल रहे हैं और बाकी जगहों पर 18 प्लस से लेकर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। कल हम लोगों ने 28,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन किया। आज भी हमारा इसी के आसपास का लक्ष्य है और लोग वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग रही है और हम आशा करते हैं कि हम 28,000 के आसपास का वैक्सीनेशन कराएंगे आज।